हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर और ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज पे। डेल्टा एक्सचेंज है ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से यहां पे फ्यूचर और ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो और यहां पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किस तरह से आप मल्टीपल ऑर्डर्स यहां पे ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप यहां पे अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, चार्ट एनालाइज कर सकते हो और बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको दी कि यहां पे आपको लिवरेज किस तरह का मिलता है और आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि आप यहां पे ट्रेड किस तरह से कर सकते हो और यहां पे आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो उस वीडियो पर मुझे काफी क्वेरीज आई कि आप आगे एक और वीडियो बनाइए और बताइए कि इसमें हम फंड्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आगे इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डेल्टा एक्सचेंज में फंड किस तरह से ऐड कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह से फंड्स डिपॉजिट कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये है डेल्टा एक्सचेंज का टर्मिनल। अब आप यहां पे देखिए आप फंड्स किस तरह से ऐड कर सकते हो। यहां पे आप देखिए डिपॉजिट आपको ऑप्शन दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहां पे आप देखिए यहां सेलेक्ट कॉइन का ऑप्शन आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको INR कहीं भी नहीं मिलेगा। यहां पे USDT है, USDC है, BTC है, जितने भी अलग अलग कॉइन है, लेकिन यहां पे आपको INR दिखाई नहीं देगा। तो INR में आप किस तरह से ऐड कर सकते हो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। तो डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप INR के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसका रास्ता है ZappPay। ZappPay के थ्रू आप फंड्स डिपॉजिट कर सकते हो अपने डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में। तो ये आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मैं आपको ZappPay के होम पेज पे ले आया हूं और अब यहां पे आप देखिए ऐड बैंक का जो ऑप्शन आ रहा है, यहां पे आपको अपने बैंक को ऐड कर देना है, जो आपके बैंक डिटेल्स हैं उनको आपको यहां पे ऐड कर देना है। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं। देखिए आप यहां पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऐड बैंक एंड ऐड UPI। तो आपको UPI को ऐड नहीं करना है, आपको यहां पे ऐड बैंक पे क्लिक करना है और आपको अपनी सभी डिटेल्स यहां पे फिल कर देनी है। तो मैं यहां पे सारे डिटेल्स फिल कर देता हूं। अब यहां पे देखिए ये आपसे पूछ रहा है अपलोड चेक या बैंक स्टेटमेंट फोटो। तो आप या तो बैंक स्टेटमेंट की फोटो अपलोड कर सकते हो या आप यहां पे एक चेक की फोटो अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहां पे वो भी कर देता हूं। तो ये मैंने फोटो अपलोड कर दी है और ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेव बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका बैंक है वो ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद आपको ये मैसेज आ जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है इसको वेरीफाई करने में, तो इसको आपको ओके कर देना है। तो ये आपकी बैंक डिटेल्स हैं वो आपने अपलोड कर दी हैं, लेकिन अभी ये वेरीफाई नहीं हुई है, इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि आप ZappPay में बैंक डिटेल्स किस तरह से ऐड कर सकते हो और ये मैंने आपको दिखाया है ZappPay के जो डेस्कटॉप साइट है उस पे। लेकिन सेम चीज आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी कर सकते हो। तो मैंने डेस्कटॉप साइट पे आपको दिखा दिया है कि आप बैंक डिटेल्स किस तरह से ऐड कर सकते हो और अब मैं आपको ZappPay की मोबाइल एप्लीकेशन पे लेके चलूंगा और वहां पे दिखाऊंगा आप फंड किस तरह से ऐड कर सकते हो। तो अब मैं आपको ZappPay की ऐप पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐप को ओपन कर ली है, यहाँ पे आपको अपना पिन डाल के और इसमें लॉगिन कर लेना है। तो देखिए ये मैंने ZappPay की ऐप में लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पोर्टफोलियो, इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देखिए 0 INR दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है NEFT, RTGS, IMPS। देखिए आपको UPI के थ्रू यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये भी वही बात बता रहा है कि आपको UPI के थ्रू पेमेंट नहीं करनी है। तो देखिए अब आपको ये डिटेल्स मिल गई हैं, जो बेनिफिशियरी नेम है वो ये आ गया है, बैंक का नाम है वो IDBI बैंक है, देन अकाउंट नंबर आ गया, उसके बाद IFSC कोड। तो अब जो आपकी एप्लीकेशन है, जैसे मैं ICICI बैंक यूज़ करता हूँ, तो इस तरह से आप जो बैंक यूज़ करते हो उसकी ऐप में जाके और ये सारी डिटेल्स ऐड करके और आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं ICICI बैंक यूज़ करता हूँ, तो मैं मेरे ICICI बैंक की ऐप में जाऊँगा और वहाँ पे ये डिटेल्स फिल करके और फिर मैं ये फ़ंड ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं मेरी ICICI बैंक की जो ऐप है उसमें जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए सेंड मनी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड एंड मैनेज पे, तो यहाँ पे मैं पे ऐड करूंगा। देखिए जो बैंक था वो IDBI बैंक था, तो अदर बैंक पे मैं क्लिक करूंगा। तो ये सारी डिटेल्स आ गई, इनको मुझे सबमिट कर देना है। मैंने सारी डिटेल्स डाल दी है, इसके बाद मैं इनको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो देखिए आपको किस तरह से करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको 500 रुपीज ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 500 रुपीज डाल देता हूँ, इसके बाद मैं IMPS से और इसको सेंड कर देता हूँ और उसके बाद मैं कंफर्म करता हूँ ट्रांसफर सक्सेसफुल। मैंने यहाँ से 500 रुपीज़ मेरे ZappPay का जो अकाउंट है उसमें डाल दिया है। अब देखते हैं वहाँ पे ये पैसा पहुँचा है या नहीं। तो चलिए मैंने फंड्स ऐड कर लिए हैं ZappPay में, मैंने 500 रुपीज़ ऐड किए थे और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था
वहां पे आपका ट्रांजैक्शन कितना था, 12 रुपीज का। तो 500 रुपीज में से 12 रुपीज आपकी ट्रांजैक्शन फीस थी, उसके अलावा जो बचे हुए 488 रुपीज हैं वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो ज़ैपे के वॉलेट में मुझे 488 रुपीज अभी दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से इस फंड को आप किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हो अपने डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए डेल्टा एक्सचेंज को मैं ओपन कर लेता हूं। यहां पे आप देखिए जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे आपको कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए INR कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है। USDT है, USDC है, BTC है, ETH है, XRP है, मल्टीपल कॉइन्स हैं लेकिन INR आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे ZappPay में जो हमारा पैसा है ये INR में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, INR को मैं कन्वर्ट कर लूँगा XRP में। आप चाहो तो और किसी से भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप XRP से करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ZappPay में जो मेरे पास 488 रुपीज़ हैं, जो 500 रुपीज़ मैंने ऐड किए हैं, इनको मैं कन्वर्ट कर लूँगा XRP में। और ये आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और अब आपको किसमें कन्वर्ट करना है, XRP में। तो यहाँ पे आप देखिए BTC INR है ये सेलेक्ट हो रखा है, तो मुझे क्या करना है, मैं XRP INR को सेलेक्ट करूंगा और जो मेरा 488 रुपीज है उनको मैं कन्वर्ट कर लूंगा XRP में और फिर उस XRP को मैं इजीली ट्रांसफर कर पाऊंगा मेरे डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ XRP INR में, XRP INR है इसमें मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखिए मेरा अवेलेबल बैलेंस कितना है, 488 रुपीज। तो इस 488 रुपीज के मैं XRP बाई करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ और आपको कितना बाई करना है, 100%, मतलब आपके पास जितना भी पैसा है उस सारे का आपको XRP बाई करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। देखिए ट्रेड में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन फीस लगेगी और मेरे पास कितना पैसा है, 488 रुपीज। तो जो ट्रांजैक्शन फीस लगेगी वो मैं किससे पे करूंगा, इसलिए आपको यहाँ पे 488 नहीं रखना है, उससे 2-3 रुपए आप कम रखिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 485 रखता हूँ, तो अब इस 485 रुपीज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ XRP में। तो बाय XRP पे आपको क्लिक करना है और ये देखिए ऑर्डर क्रिएटेड एंड सक्सेस, मतलब आपका ऑर्डर है ये फिल हो गया है, आपका जो पैसा है वो कन्वर्ट हो चुका है, जो INR है वो XRP में कन्वर्ट हो चुका है। अभी आपको कहाँ पे दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ZappPay के होम पेज पे मैं आता हूँ और अब आप देखिए आपका बैलेंस है ये सिर्फ 1.79 INR दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि 485 INR का मैंने XRP बाई कर लिया है। और यहाँ पे आप देखिए XRP रिपल आपका जो बैलेंस है ये कितना है, 17, आपने 485 के 17 रिपल खरीदे हैं। रिपल है ये बेसिकली XRP है, XRP को ही रिपल बोलते हैं। तो मेरा बैलेंस कितना है, 17 रिपल या 17 XRP, ये इक्वल किसके होता है, 482 INR के। जो बचा हुआ पैसा है वो मेरा ट्रांजैक्शन फीस में लगा है। तो यहाँ पे जो मैंने फंड्स ऐड किए थे 500 रुपीज उनको मैंने कन्वर्ट कर लिया है XRP में और अब ये जो XRP है, जो रिपल है, इसको मैं इजीली ट्रांसफर कर पाऊंगा डेल्टा एक्सचेंज में। तो ये आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब मैं डेल्टा एक्सचेंज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट कॉइन पे क्लिक करना है और कौन सा कॉइन सेलेक्ट करना है, XRP, क्योंकि हमने INR को XRP में कन्वर्ट कर दिया है ZappPay पे। तो यहाँ पे XRP को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि टैग और मेमो, जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, उसका आपको ध्यान रखना है। तो आई अंडरस्टैंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये आपका डिपॉजिट एड्रेस आ गया है और ये आपका टैग और मेमो आ गया, ये दोनों चीजें ये बहुत जरूरी है, इनका आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही आपका एड्रेस है जिसपे आपका पैसा आएगा, जो XRP ZappPay से डेल्टा एक्सचेंज में आपके अकाउंट पे आएगा उसका एड्रेस ये है। तो ये बहुत जरूरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसको यूज करके ही हम फंड्स को ट्रांसफर करेंगे। तो मैं वापस ZappPay पे चलता हूं। तो यहां पे आप देखिए जब मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास कितने XRP हैं, 27। देखिए मिनिमम जो XRP आप ट्रांसफर कर सकते हो दैट इज 25। तो मैंने 500 रुपीज के XRP ऐड किए थे तो उसको मैंने और थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़े से और फंड ऐड करके, और इसको मैंने 27 कर लिया है। अब ये जो XRP हैं, जो ZappPay पे हैं, इनको मैं ट्रांसफर करूंगा डेल्टा एक्सचेंज पे और डेल्टा एक्सचेंज का एड्रेस क्या है, ये एड्रेस है जिसपे मैं ट्रांसफर करूंगा। तो देखिए ये आपको कैसे करना है, ZappPay पे वॉलेट में आप जाइए, XRP जो आपके वॉलेट में दिख रहे हैं इसको आपको सेंड करना है अपने डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में। तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। सेंड पे जब आप क्लिक करोगे तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का पूरा एड्रेस डाल दिया है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ये आपको कैसे डालना है। एड न्यू एड्रेस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे एंटर एड्रेस लेबल जो है यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज आप लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस एंटर करना है, डेल्टा एक्सचेंज पे आप जाइए और ये जो डिपॉजिट एड्रेस आपको दिख रहा है इसको आपको कॉपी कर लेना है और ये कॉपी करके और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद डेस्टिनेशन टैग है ये आप क्या डालोगे, वापस डेल्टा एक्सचेंज पे आप जाइए और टैग और मेमो जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसको आप कॉपी कर लीजिए और ये आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देन उसके बाद बेनिफिशियरी फुल नेम क्या होगा, मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे
और सेलेक्ट बेनिफिशियरी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या है, डेल्टा एक्सचेंज, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये कहाँ से सेलेक्ट करोगे, यहाँ अगर आप सर्च में आप डेल्टा लिखोगे तो डेल्टा एक्सचेंज अपने आप आ जाएगा, ये आपको डाल देना है और उसके बाद इसको सेव एड्रेस कर देना है। तो ये एड्रेस आपने सेव कर दिया है, अब इस एड्रेस पे मुझे XRP सेंड करने हैं। तो देखिए इस पे आप क्लिक कीजिए, आई एम सेंडिंग XRP ओवर XRP नेटवर्क, इसको आपको टिक मार कर देना है, ओके आई अंडरस्टैंड। तो कितने XRP मुझे सेंड करने हैं, जितने हैं ये सारे मुझे सेंड करने हैं, तो 100% पे आप क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आप नीचे सेंड पे क्लिक कर दीजिए। मैंने OTP से वेरीफाई कर दिया है एंड योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है, मैंने 27 XRP सेंड कर दिए हैं मेरे डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में। तो अब देखिए वहां पे पहुंचा है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे अब मेरे ZPay में शो करने लग गया है कि डेल्टा एक्सचेंज को 27 XRP सेंड कर दिए हैं। अब डेल्टा एक्सचेंज पे चल के देखते हैं कि ये 27 XRP वहाँ पे आए या नहीं। तो मैं डेल्टा एक्सचेंज को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वॉलेट को ओपन करके देखता हूँ कि ये पैसे आए या नहीं। तो देखिए XRP यहाँ पे 27 शो कर रहा है, मैंने 27 XRP सेंड किए थे और वो 27 XRP यहाँ पे आ गए हैं, अवेलेबल बैलेंस है ये आपका 27 XRP है जो कि होता है $8.85। तो देखिए अगर आप वॉलेट पे क्लिक करते हो तो आपका अवेलेबल बैलेंस है, ये यूएस डॉलर में भी दिखा रहा है, इट इज 8.84, और वैसे आपका बैलेंस कितना है XRP में, वो है 27 XRP जो कि आपने अभी सेंड किया यहाँ पे। तो इस तरह से आप फंड डिपॉजिट कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में, डेल्टा एक्सचेंज जहाँ पे आप क्रिप्टोज के फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि यहाँ पे फंड डिपॉजिट किस तरह से कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको फंड डिपॉजिट करके बताया कि आप अपने डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में किस तरह से फंड डिपॉजिट कर सकते हो और यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन फीस है वो भी बेयर मिनिमम है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि आप किस तरह से फंड डिपॉजिट कर सकते हो अपने डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में पूरा बता दिया था, इसका इंटरफेस जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे फीचर्स को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको क्या एज मिलती है, सब कुछ मैंने आपको बताया। उसके बाद आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे फंड किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे फंड डिपॉजिट करके दिखाए। तो आई होप यहाँ तक आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे ट्रेड किस तरह से कर सकते हो, आप यहाँ पे स्ट्रेटजीज किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। देखिए बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर हम चाहते हैं स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजीज हम ट्रेड करते हैं आयरन फ्लाई आयरन कोंडोर, उसी तरह से हम स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टोज में भी और ये अलो करता है डेल्टा एक्सचेंज। तो यहाँ पे आप ट्रेड किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।